इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना स्क्वायर में, 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस 3 बार, तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 88/3 इंटू 49। दो नंबर देखो, उसमें वॉल्यूम यही होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 लिख लो, पाई के जगह पर कितना लिखेंगे 22/7, रेडियस कितना है, इसको 63/100 कर लेना, जीरो को 0.63 था ना, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ लेकर के आए, लेफ्ट साइड ले जाओगे मतलब और छोटा तुम कर रहे हो, तो और छोटा को इक्वल करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग क्या किए इसको बड़ा कर दिए 63 को, लेकिन बड़ा करने का राइट हम लोग को है नहीं क्वेश्चन चेंज करने का, तो हम डिवाइड कर दिए ताकि फिर से छोटा हो जाओ, 63/100, ये 7 और 9, ये बहुत कैलकुलेशन हो गया, 3 से 1 कट जाएगा 3 बार में, और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है ना सर, 100 2 बार में 22 तो कट जाएगा, 4 से 25, अरे 50, 11 बार में ना, तो टोटल हो गया 11 × 3 × 63 × 63 डिवाइडेड बाय 25 × 50 × 100 ना, 11 × 3 × 63 × 63 1309 77, और 125 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो ना, इतना डिवाइड 125 यार 10.4 7 8, ये आंसर हो जाएगा, कहाँ पर 1 जीरो और होगा, डिवीजन में गलती की है, ये आ रहा है 1.0, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, 1.0475, इसको लिख सकते हैं 1.05। उसके बाद दो नंबर, यूट्यूब वाला वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तुम लोगों को रिवीजन करने में, मिलता है ना, इसमें फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना, फाउंड ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल, मतलब एक सॉलिड स्फीयर डाल रहा है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसमें एक सॉलिड स्फीयर डाल दिया, तो बोल रहा है कि उस स्फीयर को डालने से कितना पानी उसमें से बाहर निकलेगा, तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम ही निकालने के लिए बोल रहा है, 4/3 πr³, तो 4/3 22/7, रेडियस कितना 28, डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 कर दो, तो ये 2 बार में कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं ना, 4 × 22 × 14 × 14, इतना कैलकुलेशन करवा रहा है,
छोटा छोटा नंबर देना चाहिए था। नाइन्थ क्लास में जोर का डॉग ना बाप सिखाएगा, प्रोसेस सिखाएगा ना, ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। एक लड़का है टेंथ में, वो पूरा कैलकुलेशन करता है ना, एक क्वेश्चन उसको दे दो, चार जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, चार जगह उसका गलती होगा और फाइनल आंसर रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में चार जगह गलती करता है, प्रोसेस समझ जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती कर देता है। टेंथ में जाओगे ना सारा कुछ इजी हो जाएगा, टेंथ में और ट्वेल्थ में दोनों सब इजी हो जाएगा। देखो जो है आंसर कितना नंबर था, है 11, 4, 9, 8। ठीक है, छोड़ दे वाला, एक ही छोटा सॉल्व कर लेना, एक ही छोटा। और देखो डायमीटर है ना, डायमीटर है तो पहले तो इसका आधा करोगे, एक ही छोटा 200 कर लेना रेडियस, क्योंकि 0.2 है तो उसका आधा भी करना होगा ना, आधा के लिए 2 कर दिए और 100 से डिवाइड कर दिए, ऐसे भी कर सकते हो। आधा ऐसा करोगे तो एक ही इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.210 के आधा 105 इतना हो जाएगा, ऐसे ही कर लेना ना, वैसे मत करना। 0.210 है ना, 0.210 का आधा होता है 210 का आधा 105। हाँ ऐसे ही कर देना। तीन नंबर में है डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1, इसको एक ही छोटा 10 लिखेंगे ना। पार्ट इन द मास ऑफ द बॉल, इफ द डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, हम लोग को डेंसिटी ही निकालने के लिए बोला है, मास दे दिया है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, तो वॉल्यूम कर लो 4/3 इंटू 22/7, एक ही छोटा 10, तो ये वाला तो कट रहा है 3 से 3 कट गया, तो 88 इंटू 21 इंटू 21 बाय 1000 ना, अब इसको डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 21 इंटू 21 आ रहा है 38808 बाय 1000, डिवाइड करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, अभी बता सकते हो इसमें पॉइंट अभी कहाँ हम लोग दे सकते हैं। हाँ। बोलो, थ्री के बगल में, थ्री एट के बगल में ना, हाँ अभी पॉइंट यहाँ पर है, जब डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तीन डिजिट इधर बढ़ जाएगा। है ना, हो गया। अब उसके बाद क्या डेंसिटी निकाल लेना, तो डेंसिटी बराबर क्या करेंगे, मास बटा वॉल्यूम, मास कितना है 8.9 ग्राम, और ए 38.808, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 8.9 डिवाइड 38.808 0.22 गलती हो रहा है क्या,
डेंसिटी और मास, व्हाट इज द मास? ओ मास निकालना, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास और क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, इसको काट दो, मास बराबर हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करना होगा इसको 0. कितना से 8.9 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ रहा है 345.39 ये हो जाएगा। कहाँ पर 34, 335.39, 345.39। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का डायमीटर हम लोग कितना मान ले, अगर x मान लेते हैं ना, ठीक है रेडियस मान लो, अगर अर्थ का रेडियस हम लोग x मानते हैं ना तो मून का कितना हो जाएगा 4 गुना ज्यादा होगा ना, मून इज एक्सपेक्टेड 1/4, 4 गुना कम होगा, मून का हो जाएगा x/4, मून का छोटा होगा ना, 4 गुना कम हो जाएगा, इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर अगर 4 गुना है ना तो रेडियस भी 4 गुना ही होगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा वॉल्यूम ऑफ मून कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 πx³, और ए वाला हो जाएगा 4/3 πx/4 का क्यूब, तो ए वाला और ए वाला कैंसिल, ये आ गया x³ डिवाइड ए बाय है, इसका मतलब डिवाइड ही ना, x³/64, तो x³ × 64 πx³ x³ × 64, इसका आंसर आ गया 4 नंबर। हम लोगों ने निकालना था अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन अर्थ का वॉल्यूम है, तो मून का वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, अर्थ का जो वॉल्यूम होगा ना वो 64 times होगा मून के वॉल्यूम का, या मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 times होगा। उसके बाद आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन, युद्ध अभी क्यों हो रहा है हमास और इजराइल में, नहीं बताया किसी को, पांच हजार बम गिरा दिया एक साथ, 5000 बम गिरा दिया, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी चल ही रहा है, बहुत खराब कंडीशन है, बहुत खराब सिचुएशन है, कहाँ जाएगा, भाग के जाएगा कहाँ, जगह कहीं मिलना चाहिए ना, वही तो दिक्कत हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, एक हजार साल पहले, मतलब 1000 ईस्वी में हुआ था, 1000 साल में पहले जो था ना फिलिस्तीन, यहाँ पर रहते थे कौन रहते थे, यहाँ पर यहूदी लोग थे और ये थे यहूदी क्रिश्चियन और इस्लामी, इन तीनों के बीच चल रहा है ना, यहाँ पर इस्लाम का जो था ना 1000 साल पहले इस्लाम इस पर राज कर रहा था फिलिस्तीन पर, तो उस समय क्या हुआ ना कि ईसाई का जो ये था ना जो उन लोगों का मंदिर में जो रहता है ना जैसे हम लोग का पंडित रहता है वैसे ही उन लोगों का, तो वो बोला कि हम लोग का मेन पूजा वाला जो जगह है ना वो फिलिस्तीन है, जाओ वहाँ पर अटैक करो और वो जगह छीन लो, तो वो लोग अटैक किया तो उसमें इन लोगों का संख्या ज्यादा था, काफी लोग मारे गए, लाखों में लोग मारे गए ईसाई लोग, और अब उसी का बदला है लोग लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है यहूद लोग आ गए हैं ना, यहूदी लोग आ गए हैं, इन्हीं तीनों में मतलब राज चल रहा है अभी, ये लोग मिले हुए हैं आपस में, यहूदी लोग और ईसाई लोग, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, रशिया तो अभी न्यूट्रल है, लेकिन अभी मेन जो है ना फिलिस्तीन तो थोड़ा सा बचा हुआ है,
यहूदी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, यहूदी लोगों को सपोर्ट कर रहा है ईसाई लोग, मतलब अमेरिका वगैरह इसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हो गया अभी ना, बुद्धिस्ट नहीं होगा, सेकंड नंबर पे इस्लाम होगा शायद, ना ना थर्ड पर हिंदू होगा। तो 1000 साल भी बदला लिया जा सकता है। सबको आराम से रहना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं करता है सब। 5 नंबर में देखो क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर होल्ड। बनाने के एक स्पेशल कटोरा है, उसमें कितना दूध अट सकता है। कटोरा है तो 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर का, रेडियस कितना हो गया 5.25, इसका आधा करेंगे तो 10.5 रहेगा ना, उसको 10.50 हम लोग लिख सकते हैं, और उसका आधा करेंगे तो 5.25 आ जाएगा। इसको कर दो 525/100 और ए आ जाएगा 9 का, 0 9 का तो करोगे तो 4.5 आएगा, लेकिन अगर 0.9 रहा ना, इसको 90 बना देना, लास्ट में हम लोग 0 दे सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 90 का आधा 45 होता है, 0.45। तो 25 इसको कैंसिल करेंगे ना, तो 21/4 आ जाएगा रेडियस। अब वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 × 22/7 21/4, 21/4, 21/4 और नहीं कट रहा है ना, 4 से 4 कटेगा, तो 22 × 21 × 21/ कितना 16, तो कितना आ जाएगा 21 × 22 और कट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से करना है तो ₹22 × 21 × 21 11 × 4851/8 606.375 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 300.303 दिया हुआ है, कहीं पर कुछ गलती हो रहा है क्या, 4/3 कहीं कुछ छूट गया है, पाई आर क्यू 21/4 4 × 4 = 16, इसका आधा क्यों है आंसर। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल, ओ हेमिस्फीयर है ना, तो 4/3 नहीं लेंगे, 2/3 लेंगे, हेमिस्फीयर हम फुल स्फीयर का निकाल लिए, तो हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो आधा हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फुल स्फीयर का आधा V/2, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर 2/3 πr³ फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हेमिस्फीयर का ही निकलता, ये आ जाएगा 303.19 अप्रॉक्स इतना सेंटीमीटर क्यू। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.303 लीटर, ये हो गया आंसर इसका। छह नंबर में देखो, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन, ये हेमिस्फेरिकल टैंक किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, आयरन शीट का, जो कि 1 सेंटीमीटर ठीक है। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron. Hemispherical tank है. It's made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1, यहाँ से इसका जो radius होगा ना, ये 1 है. और ये मोटाई कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज, तो बोल रहा है कितना आयरन इसमें यूज हुआ है, बाहर वाला का हो जाएगा 1.1 मीटर,
क्या करेंगे, बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो आयरन निकल जाएगा ना, टोटल में वॉल्यूम निकाल लेंगे उसमें से ये वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो इधर वाला खत्म, सिर्फ आयरन बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा वाला रेडियस माइनस 4/3 पाई छोटा वाला रेडियस। बड़ा वाला रेडियस ए वाला 1.1, बाहर वाला अंदर बच गया 1.1 का हॉल क्यू और माइनस 1 का हॉल क्यू, 4/3 इंटू इसको 22/7 लिखते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 121 इंटू 11 मतलब 1331 तीन अंक के बाद पॉइंट, तो 1.331 आ जाएगा माइनस 1, ये आ गया 88/21 इंटू 331 बाई 1000 भी कर सकते हैं, कटेगा हिसाब से 28.85 51 नहीं कटेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 88 इंटू 331 और इसको डिवाइड करना है 21,000 से, आ रहा 1.38। कितना नंबर था, 6 नंबर था ना, 6 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ है 0.06 मीटर क्यूब। कहाँ गलती हो रहा है, तो फिर 4/3 लिख लीजिए, 2/3 ना हेमिस्फीयर है ना, तो इतना बटा हाफ कर देते हैं, चलो इसका हेमिस्फीयर के लिए इसका आधा भागा 2 तो आ गया 0.693 आंसर, लेकिन 0.06 है। अब कहाँ गलती हो रहा है, रेडियस 1 मीटर था और 1.1 एक मीटर 1 सेंटीमीटर है ना, 1.01 हो जाएगा, ये वाला जो है ना एक 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.01, क्योंकि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 0.01 मीटर आएगा, तो 1.01 होगा 1.01। अब 1.01 इंटू 3 बार करेंगे 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.0 ये आ रहा है 1.03 1.03 ये आ जाएगा 0.03 आ जाएगा 0.03 या फिर 3/100 भी कर सकते हैं 3/100 तो ये 0.1 कुछ आ जाएगा, इसको चेंज करो, ये आ रहा है 88 इंटू 0.03 और डिवाइड कितना करना है 42 से 0.06 ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद सरफेस एरिया जितना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई, और क्या होता है 4 पाई, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख ले 154 ना, तो ए हो जाएगा 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर
इतना भाई वन काट देगा वैसे 11 × 2 = 22। अरे 11 एक बार में 4 × 15 11 × 4 = 44। फिर 2 से काटो तो 7 आ गया है ना। इतना बेटा 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 7 × 7 और r² × 1। तुम्हारा आ रहा है r² / 7 = 7/1। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो r² = 49। तो r कितना 7। अब वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 7/7/7। अब इसको सॉल्व कर लेना जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। A dome of a building is in the form of hemisphere. एक बिल्डिंग है वो किस फॉर्मेट में है, हेमिस्फीयर। A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of इतना। अंदर से इसको पेंट किया गया है और इसमें इसका जो कॉस्ट पड़ा है कितना पड़ गया 4989.6। If the cost of the white washing is 20 per square meter, ठीक है ना, एक स्क्वायर मीटर का 20 रुपया लगा है ना, तो कितना स्क्वायर मीटर होगा, एक स्क्वायर मीटर का कितना लगा है 20 रुपया, या फिर ऐसे करो 20 रुपया में कितना हो रहा है एक स्क्वायर मीटर, तो एक रुपया में कितना होगा 1/20 स्क्वायर मीटर, तो 498.6 इतना रुपीज में मल्टीप्लाई करना होगा 4989.6 / 20। देखो तो कितना स्क्वायर मीटर आ रहा है, दो से तो डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 498.96 / 2 = 29 इतना और 48 × 2 = 96 इतना आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है ना। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा करने के लिए पॉइंट को इधर शिफ्ट करना होगा, तो शिफ्ट कर दिए, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, तो ए इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, मतलब कि ए हो गया 2/3 πr². r² r हम लोग को पता नहीं है = 249.48। क्या कर्व सरफेस एरिया ही होता है ये ना, 4πr² तो टोटल होता है, हाफ होता है 2πr², ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। देख लो ना स्फीयर का फॉर्मूला, यहाँ से अगर हम लोग r² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/4948 × 7/44, ये 22 × 2 = 44 और इसका 2 ठो 0 भी नीचे देना होगा। 11 से कटेगा क्या ये वाला 22 × 24 = 66, ये वाला 11 से कट रहा है, दोबारे 22 × 2 = 24 = 29 आ गया, फिर दोबारे 22 × 7 = 29 = 74, 6 × 66 तो 8 आ गया और 8 × 88। तो यहाँ से आ रहा है 2268 × 7 और डिवाइडेड बाई 4 × 100, ये 4 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 5 × 20 = 26 26 आ गया, 6 × 24 = 24 7 × 28 तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 × 7 = 49
चार रिमाइंडर रहा, 7 × 6 = 46, 4 रहा 35 × 4 = 39/100। ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट 3969/100। 3969 का देखो तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 63 आ रहा है, 63/10 = 6.3। तो ये आ गया रेडियस का वैल्यू। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या था, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, सिर्फ सरफेस एरिया निकालना था, सरफेस एरिया तो हम लोग का यहीं पर निकल गया है। ठीक है, उसके बाद फिर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग पहले रेडियस निकाल लिए, रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2πr² का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, वॉल्यूम अब निकाल रहे हैं हम, 2πr² = कितना है, यही था ना 2πr², ये है 249.48। हम लोग का वॉल्यूम क्या होता है, 4πr, 4/3πr³, 4/3πr³ ना, तो इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 × r × 2πr², 2/3πr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना ये 4/3πr³, तो इधर भी 2/3r से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 × r का वैल्यू कितना आया था, 6.3 × ए वाला ऊपर जो है, जब देखो मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, ये 3 से कट जाएगा 2.1, तो 2.1 × 249.48। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 21 × 2 = 4.2 × 249.48, देखो तो कितना आ रहा है, 249.48 × 4.2 1047.82 कर देते हैं। चलो ये आंसर हो गया फाइनल वॉल्यूम का, है ना। एरिया था ना उसी में 2/3r से मल्टीप्लाई करके निकाल दे, तुम लोग अलग से निकाल सकते हो, अलग से निकालने के लिए r तुम लोग को पता है 4/3 × 22/7 लेना होगा इंटू 6.3 का होल क्यूब, ऐसे भी करोगे ना तो डायरेक्ट तुम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग को ज्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसलिए हम लोग एरिया में ही बस 2/3r से मल्टीप्लाई कर दिए थे। क्या दिया हुआ है, 523.9 वाला मैच किया है, पहला वाला कहाँ पर आंसर था, ये वाला था ना 249। अच्छा ये हाफ है ना, हम लोग 4/3πr³ कर लिए, 4/3 तो हो गया पूरा स्फीयर का, ये हेमी स्फीयर है ना, हेमी स्फीयर के लिए क्या करना होगा, आधा उसका, तो ये जो आंसर आया है ना इसका आधा कर लेंगे तो हो जाएगा, हाँ तो 500 उतना जो है ना आंसर वो आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 9 नंबर, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। पहले तो कितना 27 है ना, तो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 × 4/3πr³, ये हो जाएगा ना वॉल्यूम, और इससे एक नया बनाया गया है स्फीयर, उसका हो जाएगा 4/3πr³। 2700 इस साइज का स्फीयर ले करके आर रेडियस का 2700 को मिला करके और एक को बड़ा बनाया गया है जिसका रेडियस आर डैश होगा, है ना, वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा ना, 2700 का वॉल्यूम
और प्लस वो जो नया जो बड़ा वाला बनाया है उसका वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएगा, तो इक्वल कर दिए। अब ए वाला कैंसिल हो रहा है तो हम लोग का आर डैश क्यू कितना आ गया 27 आर क्यू। तो आर डैश कितना आ जाएगा 3R। पहला का आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड वाला में रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो एस ऊपर वाला का जो सरफेस एरिया था वो हो जाएगा स्फेयर है ना, स्फेयर का कितना होता है सरफेस एरिया 4πr² ना, और नीचे वाला का होगा 4π, आर की जगह इसमें 3R यूज करना होगा। तो 4π 4π कैंसिल, r² / 9r² तो 1/9 ये आंसर हो गया, ठीक है। 9 इजी था। 10 वाला देखो, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter इतना दिया हुआ है, रेडियस बताओ कितना आएगा। 3.5 का आधा कैसे करोगे, 350 का आधा कर दो, 350 का आधा कितना होगा 300 का आधा 150, और 50 का आधा 25, तो 150 25 ना कितना हो गया 175 ना, 150 और प्लस 25 150 और 25 175, ठीक है, इतना मिलीमीटर रेडियस हो गया। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, वॉल्यूम निकालना है 4/3 / 22/7 1.75, 175 कर दो इसको, 175 × 175 सब में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा और ये 7 बार में, तो 22 × 4 = 88 × 49 ऊपर में और नीचे में, अच्छा 1 तो 4 भी कैंसिल हो रहा है ना, तो आ गया ऊपर में 22 × 49 और नीचे में 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, ये वाला भी 3 है ना, फोर नाइन इंटू इलेवन करेंगे तो 9 × 539 / 24 ना, ये देखो तो डिवाइड करके कितना आ रहा है 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। आंसर कुछ और दिया है, हाँ उसी को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 22.46, ये वाला एक ज्यादा 5 से ज्यादा रहता है ना ये वाला, तो इसको एक बढ़ा देते हैं, कंप्लीट हो गया है। कल नहीं रखेंगे, कल ऑफ ही रखेंगे, कल अच्छी कर लो, सिर्फ इंग्लिश करवा दो, कर लेना, साइंस परसों करवा देंगे मंडे को, कल शायद हम नहीं रहेंगे, कल आएंगे नहीं, परसों करवा देंगे। साइंस में कौन सा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अभी खत्म नहीं हुआ है ना।